आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की 4 जुलाई को बड़ी बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी चुनावी खाका खींचेगी और जीत को लेकर चुनावी चक्रव्यूह गढ़ेगी और देखना जरूरी होगा कि आखिर बीजेपी की इस बैठक में क्या कुछ मंथन होता है। मध्य प्रदेश में चुनाव की घंटी बजने वाली है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद सूबे में सियासी दलों की चुनावी रफ्तार भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी कोर ग्रुप की 4 जुलाई को भोपाल में बैठक होने वाली है। बीजेपी की यह बैठक कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें सीएम शिवराज समेत पार्टी के सभी आला नेता शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर कमेटी की बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। साथ ही आला नेताओं के रोड शो और चुनावी जनसभा को लेकर भी मंथन होने की बात कही जा रही है। बीजेपी ये जानती है कि अगर चुनाव जीतना है तो व्यापारियों और उद्योगपतियों को अपने पाले में करना होगा। इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारी वर्ग को रिझाने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम शिवराज के इस फैसले से अब किसी भी उद्योग और व्यापार के लिए 10 साल से कम का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और इसकी नवीनीकरण अवधि भी 10 साल की रहेगी। फिलहाल उद्योगों को 2 से 3 साल का लाइसेंस मिलता था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि सीएम शिवराज के इस चाल से कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी अगर अपना चुनावी किला मजबूत कर रही है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उसने भी अपनी कमर कस ली है। इसी तैयारी के तहत कांग्रेस के आला नेता एमपी का दौरा कर रहे हैं। रूठे नेताओं को मनाया जा रहा है और लीग से हटकर हिंदू वोटों पर भी खास फोकस किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों में भी इसी को लेकर बदलाव किया जा रहा है। मसलन एनएसयूआई के 52 नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश का चुनावी किला फतह करने के लिए सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ही सियासी चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं, लेकिन किसका चक्रव्यूह जनता जनार्दन को भाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो साफ तौर पर देखना जरूरी होगा कि आखिर किसके मंथन से, किस पार्टी के मंथन से अमृत निकलेगा, लेकिन मंथन जरूर होगा। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी राकेश चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। राकेश, चूंकि एक बड़ा मंथन दोनों ही पार्टियां लगातार कर रहे हैं, चूंकि चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, और ऐसे में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप राजधानी भोपाल में, किस तरह की सियासत मध्य प्रदेश में, और क्या टिप्स कांग्रेस के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं को देते नजर आएंगे? हाँ, देखिए, बात करें तो दोनों ही दलों के जो केंद्रीय नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, लगातार मध्य प्रदेश में उनके दौरे चल रहे हैं। और इस बीच बीजेपी ने अपनी नए सिरे से रणनीति तैयार करने के लिए, नए जोश कार्यकर्ताओं में भरने के लिए जो कल मंथन होगा, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है, इसमें पूरी तरह से जो फोकस है चुनावी है। इसमें जो पदाधिकारी हैं, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनको जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। जिम्मेदारी रहेगी सीधे तौर पर चुनाव को लेकर, चुनावी दृष्टि से नए जो टीम है, निचले स्तर की टीम है, उसको और क्या काम करना होगा और किन समीकरणों के साथ काम करना होगा, इस पर पूरा फोकस है। और रणनीति बैठक तैयार करेंगे, कोर कमेटी के सदस्य उसमें रहेंगे, क्योंकि हम देखें कि लगातार चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक एक स्टेप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब बीजेपी एक स्टेप आगे बढ़ती है तो कांग्रेस अपनी नई रणनीति सामने लेकर आती है। कांग्रेस की जब रणनीति नए सिरे से आती है तो बीजेपी फिर एक कदम और बढ़ती है, और ये जो कोर कमेटी की बैठक है इसी को एक कदम आगे बढ़ना हम कह सकते हैं कि बीजेपी फिर कल नए सिरे से अपनी पूरी जो है दिशा निर्देश जारी करेगी। और एक बार जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में बार बार कही जाती है कि सभी को एक साथ लड़ना होगा, एकजुटता का संदेश जनता के बीच देना होगा, इस पर भी कल नए सिरे से फोकस देखने को मिल सकता है कि पार्टी फोकस कर रही है। इसके बाद भी साथ हम बात करें तो नसीहत का दौर भी चलता है बीजेपी की बैठकों में, जिसमें ये बार बार ये कहा जाता है विधायकों से कि वो जनता के बीच रहे, जनता से कनेक्टिविटी बनाए रखें, और क्या इस कनेक्टिविटी के जो निर्देश दिए गए थे, नसीहत दी गई थी, उसका शुभम कितना पालन हुआ है, इसका आकलन भी कोर कमेटी की बैठक में करेगा। और ऐसे नेता जिनको जो कि कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा पाए हैं, तो उनको लेकर क्या स्टेप लिए जाना चाहिए, ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर कोर कमेटी की बैठक में कल मंथन होगा और फैसला भी लिया जाएगा। बिल्कुल राकेश, तो ऐसे में साफ तौर पर दिग्गज उतरेंगे बैठक के मैदान में, और ऐसे बैठकों में कई टिप्स यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देंगे। कांग्रेस की बड़ी बैठक भी यहां पर होने जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए बूथ लेवल तक बूथ चलो अभियान चला रही है, कई मुद्दों को लेकर सरकार की नाकामी, वादा खिलाफी गिनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का क्या सिनेरियो देख पा रहे हैं आप, चूंकि चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार बैठक में जुटी हुई है? देखिए, बिल्कुल, हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी बैठकों के साथ जमीन पर लगातार काम कर रही है, और
कांग्रेस को ये बड़ी उम्मीद है कि चूंकि बीजेपी की बात करें तो फिलहाल चौथी बार सत्ता में है, तो पांचवी बार सत्ता में बीजेपी सीढ़ियां न चढ़ पाए, सत्ता की सीढ़ियां न चढ़ पाए, इसकी तैयारी कांग्रेस कर रही है। इसको लेकर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और बैठकों में जो फीडबैक निकलकर सामने आ रहा है, किसे क्या टिप्स देना है, किसकी स्थिति खराब है, कौन से विधायक का टिकट काटना चाहिए और काटना चाहिए तो कौन उम्मीदवार हो सकता है, इसके साथ ही कौन और जो नए मुद्दे लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं, क्योंकि 10 जुलाई से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में क्या सदन के अंदर कौन कौन से और मुद्दे सामने आना चाहिए, ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर कमलनाथ पीसीसी चीफ जो लगातार बैठकें कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नेताओं को और क्या करना चाहिए, तमाम करेगी और देखना होगा कि आखिर कितना जोश कार्यकर्ताओं में कमलनाथ भर पाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सहयोगी राकेश चतुर्वेदी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इन कमेटियों की बैठक में क्या कुछ मंथन निकल पाता है। आगे बढ़ेंगे।